हेलो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं KCSSU एंटरटेनमेंट। आज मैं आप लोगों को ये जो एलर्जी वाली खांसी होती है, बहुत ही ज़िद्दी कफ होता है जो निकाले नहीं निकलता, और खांसते खांसते दम निकले जैसा लगता है, श्वास नली में पूरा कफ भरा रहता है, पेट की अतड़ियों में कफ भरा रहता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो 3 लहसुन लीजिए। अच्छा, मेरी हैबिट के हिसाब से मैं 3 लहसुन लेता हूँ, आप 2 से चालू करना। 3 लहसुन लेकर उसे कांटे में लगाइए, और कांटे में लगाकर थोड़ा उसको आग से सेक लें। आग से सेकने के बाद में अच्छे से सेक लें आग से। सेकने से फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर का जो तीखा तत्व ख़त्म हो जाता है। अब थोड़ा इसको हल्दी का तेल लगाएंगे, और फल्ली का तेल डालकर फिर दोबारा सेकेंगे। ध्यान रहे, सरसों तेल में मत डालना, सरसों तेल ऑलरेडी गर्म रहता है। इस तरह की खांसी जो आती है, और ये जो कप को पतला करके निकाल देता है, ये गर्म होता है, ध्यान रखना। आप 2 लहसुन से चालू करना, और ध्यान रहे फल्ली तेल में ही चालू करना, बहुत फ़ायदा करता है ये। ये कप को पतला करके निकालता है, श्वास लेने में आने वाली दिक्कत को दूर करता है, और टट्टी के रास्ते से भी कफ निकाल देता है। और दूसरी को दिन भर में गर्म चीज़ नहीं खाना, क्योंकि 3 लहसुन बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये घर का इलाज है, लोग ध्यान देते नहीं हैं, बहुत कारगर है ये। बहुत लोगों को लहसुन चलता नहीं, लोग लहसुन प्याज खाते नहीं, मगर बहुत ही सरतीला और उत्तम इलाज है, ज़रूर ध्यान दें। ऐसे खा लेना जैसे मैं खा रहा हूँ यहाँ पर, वो पानी पी लेना, और थोड़ा टहलते रहना, पूरा कप निकाल देना वो, और बचा कुचा कप लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़।